एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारा पार्ट नंबर जो सेवन है उसको सोल्व करते हैं। उसमें इक्वेशंस दी गई है हमारी 1/3 x + 1/3 x - y = 3/4 और जो सेकंड इक्वेशन है 1/2 x + y - 1/2 x - y = -1/8। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। तो अजम्पशन के लिए आप डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से, दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर हमें सेम दिखाई देंगे। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है 1/3 x + y फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड में भी है, ऐसे ही 1/3 x - y फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकंड में भी। तो इनको एज्यूम किया ये यू और ये वी, यहां से इक्वेशन बनी हमारी चेंज करने से यू प्लस 1v या सिर्फ v इज इक्वल टू 3/4। यहां से 4 डिवाइड में है, लेफ्ट में लेके आए तो ये बना 4u + 4v = 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये है गिवन इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये सेकंड नंबर डाले। ऐसे ही यहां से चेंज किया तो ये बना 1/2u - 1/2 v = -1/8। जो 8 यहाँ डिवाइड में है लेफ्ट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/2u - 8/2v = -1। 2 4 8 4u - 4v = -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब दोनों इक्वेशन में v सेम है और u भी सेम है, आपको सिर्फ इन इक्वेशंस को लिखना है और फिर देखना है ऐड करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा या सब्ट्रैक्ट करने से। पहले लिखते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ऐसे ही 4u - 4v = -1, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो v कैंसिल आउट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो u सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं बाय एडिंग, ऐड किया तो 4v और -4v कैंसिल, 4u + 4u 8u = 2 u = 2/8 u = 1/4। जो आपकी ये u की वैल्यू आती है आप इसे थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में u की वैल्यू पुट की तो थर्ड इक्वेशन हमारी 4u + 4v = 3 और जो u है उसकी वैल्यू आई 1/4, 4 1 = 4। अब यहां पे बचा प्लस 1, वो राइट में लेके गए तो वो बन गया हमारा -1, 3 - 1, यहां पे बचा 2 और ये मल्टीप्लाई में 4। आगे v = 2/4 v = 1/2। यहां से अब हम चलते हैं जहां पे हमने एज्यूम किया था, हमारा अजम्पशन था 1/3 x + y = u एंड 1/3 x - y = v। अब हमारे पास u और v की वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू आई 1/4 और v की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो इक्वेशन है 1/3 x + y और यहां पर 1/3 x - y। यहां से चेंज हो गया क्या बना, ये बना 3x + y और राइट में रेसिप्रोकल किया तो 4, ऐसे ही ये लेफ्ट में 3x - y / 1 और ये 2। हमारी इक्वेशन बन चुकी थी नंबर 4 तक, तो इसका नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी हमारी। सॉल्व हो रही है डायरेक्ट क्योंकि ये 3x है, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y। तो लिखिए आप इक्वेशंस को 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, इक्वेशन नंबर फिफ्थ हमारी, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ये इक्वेशन नंबर सिक्स, और इनको कर देते हैं हम ऐड। अगर इन इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, ऐड करने से y तो सॉल्व हो गया, ये बना 6x इज इक्वल टू सिक्स, x इज इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स, x इज इक्वल टू वन। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है, हम उसे फिफ्थ या सिक्स्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की, तो ये बना 3x प्लस y इज इक्वल टू फोर, और x की वैल्यू है हमारे पास 1, ये बना 3 वन जा 3 प्लस y इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू फोर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास आंसर बना x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट थे, सॉरी 8 पार्ट्स थे, ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 भी है, ये है हमारा पार्ट नंबर 8। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आप इन वैल्यूज को जब चाहे अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करें, वेरीफाई करें, अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम आते तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट में सोल्व किया जाता है, पहले सॉल्यूशन में बनेगी आपकी यू और वी की वैल्यू, और सेकंड पार्ट में जो सॉल्यूशन होगा उससे बनेगी हमारी यहां से एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।